सो वेलकम बैक गाइस, क्या चाल साहब? तो फुली सारे वधिया होंगे। मान साहब, बब्बू मान दा ओल्ड लाइफ, जिदे विच दिलजीत, गुरप्रीत घुग्गी, बलवीर बप्पा राय ते हरजीत हरमन ते नछत्तर गिल भी हैगे ने। आज देखिए की चीज़ है, मतलब इन्ना इकट्ठ। लेट्स स्टार्ट। देखिए मतलब दिलजीत ते बब्बू मान, मैं मतलब कभी इकट्ठे देखे नहीं वैसे, बट चलो आज देखने को मिलेगा मौका। चलो स्टार्ट करते हैं। हशर फिल्म दे टाइम दा ओके 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 पीछे खड़े ने मतलब सारे ओदे ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये भी वधिया गल है। ताज बैंस बेंद्रेखिया साहब का बेटा आज जो भी थोड़े सामने गाउन के जिथे भी आवाज सुन दे प्लीज कम टू स्टेज। क्या आवाज मार दे। हां ओ दिलजीत पीछे खड़ा है, मतलब वो तो तिक्खी पग दा आवाज है, वो तिक्खी पग बंदे ते यार हरजीत हरमन भाई खड़े है। एक दसो केड़ा गाना? मैं इक्को गाना भाई। दो तरह के गायक होने, एक नो एक गाने का टाइम मिलता, चार गाने मैंने चार का मिलता, मैं एक गाना नहीं ब्याह च गानू गाओ जा सुनना। ए तो बाद ला देना, बाद च एंड च गावांगे। हां पिंड पहना लगदा अलाइया सस्सा जा सस्सा जा। ए सानू सरदूल पाजी ने हाथ पाती वैसे जटा का कोई सुर नहीं हों, सुहागा ट्रैक्टर की रेस एक सुर हों, जो तेज कर दो तो गा बन जाता, थले कर दो सा बन जाता। जो हवा चलती वह पहले सा चलती, जो थोड़ा जहा फुल आता फिर रे हो जाता। सो मैं तो इतने सीखा सीखा, बाकी बड़े फनकार गरारियां लागे नछत्र बजे मैं मैनू आदि नहीं भाई, मैं घट ला भी लाने हथियार वाला ला दे यार। मैं तो हथियार रख के माड़ा चक ली, तुम हथियार की गल करी जी, मैं करी इतने पत्रकार साहब आया उन्होंने फिर खबर ला लेनी भी हथियार की गल करता है। मैं तो भाई माड़ा वाला गाना सुना लगे शुरू तो ही ना, शुरू तो मतलब सीधा मूँह से मारने वाला बंदा आए बब्बू मान वो कहते हथियार सुना। Thank you.
महफिल एक्चुअल महफिल स्वाद आ गया सच्ची। तो तुम गा देखो कि मेल मिलाप इकट्ठे है ना सारे, तो हूँ थोड़ा जहा मतलब इगोइस्टिक जहा माहौल हो गया, पता नहीं की चक्कर आ। बट मैं थोड़े दिन पहले एक देखी भी सी फोटो जी, जब दलजीत बब्बू मान मतलब इकट्ठे बैठे से जहाज में, वो तुम दस सकते हो कि मतलब असली सी जा मॉफ्ड सी यानी कि एडिटेड सी। तो बाकी यार बहुत मज़ा आया, मतलब मैं ये समझ नहीं आया कि लाइव शो से या कोई विआह व्यू का शो से, क्योंकि जिस तरीके सिंगर्स नच रहे थे गा रहे थे थोड़ा तरीके माहौल बनाया थोड़ा विआह वाला माहौल सेगा,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਗਰਸ, ਸੋ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਰਹੂ, ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, 3-4 ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪਲਸ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।